दुनिया के मशहूर तरीन लोग क्या सोच रखते हैं इस्लाम और मुसलमान के प्रति, इस वीडियो के अंदर हमें डिटेल में पता चल जाने वाला है, क्योंकि इट इंक्लूड्स द इंटरव्यूज ऑफ पर्टिकुलरली दोज फेमस पीपल टॉकिंग अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स। एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड भाई साहब, मैं यही सोचती हूँ कि बहुत कुछ बेहतरीन ही सोचते होंगे, क्योंकि इस्लाम जो है बहुत ही शांति पसंद मजहब है, दीन है और प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है। एक एक रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है ना कि सुन करके भी दिल खुश हो जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये सारे सेलिब्रिटीज और जितने भी फेमस लोग हैं ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं। तो ये अगर किसी धर्म के लिए अच्छा बोलेंगे ना तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज सोसाइटी तक पहुंचता है। इन्हें देख कर के हमारा यूथ बहुत इंस्पायर होता है एंड व्हेन दे टॉक गुड अबाउट इस्लाम दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि कोई बहुत ही मशहूर करोड़ों लोगों की फॉलोअरशिप वाला इंसान जब बोले कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है और युवाओं को खास तौर पर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तो कितने सारे जो नव युवक हैं वो सही रास्ते पर चलने लग जाएंगे और उस एक खुदा की इबादत करने लग जाएंगे। सोच करके भी हमारी रूह का रोम रोम खुश हो जाता है। तो चलिए इस खुशी को ना 100 गुना कर देते हैं वीडियो को देख करके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम वर्कर ने मिस्टर बीस्ट को कैसे इस्लाम की अहमियत दिखाई थी? और क्या आपको पता है कि इलन मस्क इस्लाम की टेक हिस्ट्री हम सबसे ज्यादा जानते हैं? और कैसे एक हॉलीवुड स्टार को अजान से प्यार हो गया? वेल आज इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम के मुतालिक कमेंट करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बेन एफ्लॉक। दोस्तों अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी देखी है तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। बेन हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम के एक एंकर सैम हैरिस और बेन दोनों के शो में इनवाइटेड थे। इस शो में सैम ने कहा कि इस्लामिक फोबिया सिर्फ एक मीम है और इस्लामी अकीदों पर तनकीद करने से हर मामला उलझ जाता है। इसने कहा कि मुसलमान बहसियत इंसान ठीक हैं, लेकिन फिक्र के तौर पर वो रिडिकुलस हैं। इस शैम्पू ने जैसे ही ये बात कही तो बेन ने फौरन इसका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि तुम कहते हो कि इस्लामिक फोबिया असल में है ही नहीं। इवन बेन ने ये भी कहा कि ये चीज सरासर रेसिज्म है, यानी नस्ल परस्ती है, और दुनिया में अरबों मुसलमान हैं जो कि कोई गलत काम नहीं करते, औरतों पर जुल्म नहीं करते और तालीम हासिल करना चाहते हैं। बेन के मुताबिक चंद बातों की वजह से लोग पूरे दीन इस्लाम को गलत कहते हैं। इस डिबेट में बेन ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो कि इस्लाम के हक में बिल्कुल सच थी। सैम हैरिस बड़बड़ करता रहा लेकिन इसके पास इन तमाम बातों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। एनीवे अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दिस मीम ऑफ इस्लामोफोबिया इट्स इंटेलेक्चुअली रिडिकुलस। यू द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द ऑफिशियली कोडिफाइड डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम। Gross, it's racist. It's not. Or how about the more than a billion people who aren't fanatical, who don't punch women, who just want to go to school? Wait a second. Wait a second. लियाम नेसन। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखते हैं तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। इन्होंने दी ए टीम, ब्लैक लाइट, टेकन और इवन स्टार वार्स में भी रोल प्ले किया है। कुछ साल पहले लियाम अपनी मूवी टेकन 2 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल तुर्की गए थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये इस्तांबुल में रह रहे थे तो सुबह 5 बजे अजान होती थी। पहले तो मैं इसे सुनकर काफी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे अजान अच्छी लगने लगी। इनका कहना था कि जब तीसरे हफ्ते तक मैंने लगातार अजान सुनी तो मुझे तो अजान इतनी अच्छी लगी कि मुझे अजान से मोहब्बत हो गई। अजान की खूबसूरत आवाज सुनकर इन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो खास जरूर है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब शायद इस्लाम में मिल सकता है। लियाम ने एक और इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुसलमान दिन में 5 दफा अजान देते हैं। सिर्फ इस्तांबुल में ही 4000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और ये मस्जिदें निहायत ही खूबसूरत हैं। इनके मुताबिक इस्लाम की इस खूबसूरती ने इन्हें इतना मुतासर किया है कि इनके दिल में ख्याल आता है कि काश ये भी मुसलमान हो जाएं। वैसे तो लियाम का ताल्लुक कैथोलिक मजहब से है, लेकिन अब इन्हें इस्लाम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह की फजल से ये भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। Call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. I was totally captivated by it, loved it. So then I thought maybe
Islam's the answer. Wow. Really makes me think about becoming a Muslim. मिस्टर बीस्ट, दोस्तों मिस्टर बीस्ट को कौन नहीं जानता। ये बंदा न सिर्फ दुनिया का सबसे रिच और बड़ा यूट्यूबर है बल्कि इसने तो सोशल मीडिया हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। वैसे तो मिस्टर बीस्ट सारी दुनिया को अपने कंटेंट से हैरान करता है, लेकिन ये खुद एक मुसलमान और इसकी जिंदगी को देखकर खुद भी हैरान हो गया था। मिस्टर बीस्ट का एक कैमरामैन है जिसका नाम तारिक सलामी है। तारिक बेसिकली एक मुसलमान है और ये ना सिर्फ मिस्टर बीस्ट की वीडियो शूट करता है बल्कि ये कई वीडियोज में फीचर भी हो चुका है। रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट में तारिक और इसके दीन इस्लाम की बात की है। पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट के दोस्त ने कहा कि तारिक के आने से तुम्हारी फीलिंग्स में काफी चेंज आए हैं। उस पर जिमी यानी कि मिस्टर बीस्ट का कहना था कि तारिक अपने इस्लाम को लेकर बहुत ही डिवोट और सीरियस है, ये शराब नहीं पीता और कोई भी गलत काम नहीं करता। जिमी ने कहा कि जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस दीन में कुछ ना कुछ तो जरूर बात है, क्योंकि तारिक अपने मजहब की बहुत ज्यादा केयर करता है। इवन मिस्टर बीस्ट के एक टीम मेंबर ने ये भी कहा कि हम लोग काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी तारिक दिन में 5 टाइम नमाज अदा करता है। वेल, मिस्टर बीस्ट और इसकी टीम एक मुसलमान की अपने दीन से मोहब्बत और अताअत देकर बहुत ही शौक रह गई थी। बहरहाल यही एक मोमन का खासा है कि जो इसे दुनिया के तमाम लोगों से अलग बनाता है। Have your feelings changed since Tarek's been around, or like his? It is admirable to see how devoted he is. So, yes, like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's actually he's not one of those people that just preach it. He actually follows it. So sometimes it does make me go like, damn. Like, there's something there. Like, he really cares a lot, you know. We're busy guys, okay? 5 times a day? You're not gonna do that. Hey, he gets his 5 in. Wow. John Claude, दोस्तों John एक famous Hollywood star हैं। वैसे तो ये बेल्जियम में पैदा हुए थे लेकिन 1982 में ये अमेरिका आ गए और हॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इनकी फेमस फिल्म्स में द एक्सपेंडेबल 2, कुंग फू पैंडा, द बाउंसर और वी डाई यंग शामिल हैं। कुछ अरसे पहले जॉन MBC चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें इन्होंने इस्लाम और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। असल में ये एक बॉडीगार्ड और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें हेल्दी फूड डाइट का बहुत ही एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में इन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकी खुराक बहुत ही अच्छी होती है। फिर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत ही क्लेवर थे। इन्हें पता था कि कौन सी खुराक इंसान के लिए बेहतर है, इसलिए इन्होंने अपनी उम्मत को बेहतरीन डाइट प्लान बताया जिसमें गोश्त कम खाने की तलकीन की गई है। इसके अलावा जॉन की दोस्ती भी मुसलमानों से है। इनका एक दोस्त है जिसका नाम कामरान है। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने कामरान को कहा कि वो दुनिया को दीन इस्लाम के मुतालिक बताएं। ये सच में कमाल है। Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. Elon Musk, दोस्तों Elon मौजूदा दौर के सबसे रिच और फेमस पर्सन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर दोनों ही Elon का पैशन है। जहाँ इस्लामिक फोबिक लोग इस्लाम को एक ओल्ड फैशन मजहब समझते हैं, वहाँ Elon Musk ने इस्लामी तारीख का एक ऐसा पहलू बताया जिसे दुनिया भूल चुकी थी। इसी साल के शुरू में दुबई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में Elon Musk ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि जब रोम डूब रहा था तो इस्लाम ने राइज किया। इनका कहना था कि इस्लाम ने ही नॉलेज को प्रिजर्व किया था। असल में Elon जिस दौर का जिक्र कर रहे थे वो इस्लाम की गोल्डन एज थी। ये हारून अल रशीद का दौर था जो सन 786 से 809 तक रहा था। इसमें दुनिया के तमाम स्कॉलर्स को बगदाद में इकट्ठा किया गया था ताकि दुनिया के तमाम नॉलेज को ट्रांसलेट करके मुसलमानों को तरक्की दी जा सके। इस नॉलेज को अरबी और फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। ये बेसिकली वो दौर था जिसमें साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुसलमान अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोचने की बात यह है कि जिस बात को आज के मुसलमान भी भूल चुके हैं वो Elon Musk ने सारी दुनिया को बताई है, और इससे दुनिया को पता चला कि इस्लाम ने एजुकेशन सिस्टम में क्या रेवोल्यूशन पैदा किया था। While Rome was falling, Islam was rising, and so you had like a sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific. Mahatma Gandhi, दोस्तों आप में से बहुत से लोग गांधी को जानते होंगे। ये basically एक lawyer.